गुड मॉर्निंग श्वेता, ये लो आपका ब्रश, चलो ब्रश करेंगे। आप मेरे कमरे में कैसे आई? मैंने कहा ना, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। श्वेता, तुम्हारा स्कूल है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। प्लीज मुझे तंग मत कीजिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। श्वेता सुनो, मेरी बात सुनो। अरे बदतमीज लड़की, इसे तो मजा चखाना पड़ेगा। ऐसा मजा चखाऊंगी कि हाय राम मधु, इतना सुंदर टीवी, बड़ा महंगा लगता है ये। महंगा? और क्या क्या है महंगा? ओह, क्या म्यूजिक सिस्टम है मधु, ये भी बेड लगा ले, बड़ा महंगा म्यूजिक सिस्टम है ये। मैं तो कहती हूँ बैठे बिठाए तेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। सावरी, मेरा टूथब्रश किधर है? सावरी, मेरा टूथब्रश किधर है? ये रहा, यहाँ है श्वेता। ये लो तुम्हारा ब्रश। मैंने कहा था ना, मुझे आके कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूंगी। सपान तो देखो, इस टिंगली सी महारानी के, इसकी तो मधु, शांत। सावरी, तुम क्यों चले गए मुझे छोड़कर? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और इस आंटी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज आ जाओ ना सावरी, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। प्लीज कम बैक सावरी, प्लीज। श्वेता भी अभी नाश्ता कर रही होगी ना? नहीं, अपने आप तैयार होना है ना, उसे थोड़ा टाइम लग रहा होगा। भगवान जी, उसने बैग में सारी किताबें रात में डाल दी होंगी ना? अगर अभी ढूंढने बैठेगी तो बहुत लेट हो जाएगी। और नाश्ता, पता नहीं उसकी पसंद का नाश्ता बना होगा या नहीं। ये घासपूस नहीं है श्वेता, ये तो बहुत हेल्दी चीज है जो मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपने किससे पूछकर मेरा नाश्ता चेंज किया है? मुझे सब नहीं खाना है। क्या हो रहा है इसे? हापो, आपको तो पता है ना, मैं हमेशा ऑरेंज जूस और टोस्ट लेती हूँ, उन्होंने मुझसे बिना पूछे जाने क्या क्या बना के रख दिया है। देखिए ना भापू, आप ही ने कहा था इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा नाश्ता बनाया जो इसे अच्छा लगेगा, और ये खा नहीं रही है। खा लो प्लीज, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। श्वेता बेटा, को कितने प्यार से बना के लाई है तुम्हारे, खा लो ना, कोशिश तो करो, अच्छा लगने लगेगा। नहीं मतलब नहीं, मैं सिर्फ ऑरेंज जूस और अपना टोस्ट ही खाऊंगी,
और वो भी उतने सीखे हुए होने चाहिए जितने सावरी सीखती थी। श्वेता देखो वैदेही भी वो ही खा रही है और उसे अच्छा लग रहा है, पूछो वैदेही से। वैदेही अच्छा है ना? वैदेही जीजी के तो फेस से पता चल रहा है कि उन्हें ये सब बहुत पसंद आ रहा है, पर मैं खाना नहीं खाऊंगी। श्वेता चलो मान ली आपकी बात, आपको जो पसंद है हम आपको वही खिलाएंगे। आपको पता है आपकी पसंद की एक बहुत अच्छी चीज बनी है, कस्टर्ड। खाओगे? लेकिन शर्त ये है कि कस्टर्ड खाने से पहले आपको ये पूरा नाश्ता कंप्लीट करना है। करोगे? खाओ खाओ खाओ। देखा अब अच्छी वाली श्वेता सामने आई है। मधु जी आपने तो कमाल कर दिया, क्या बात। भाभू मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आती हूँ। भाभू मैं सोच रही थी आज मैं ब्रजेश को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाऊँ। आप मधु अभी आ गई है, श्वेता का ख्याल रखने के लिए कोई है तो मैं जाऊँ? तुम निश्चिंत होकर जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। अरे लीजिए। थैंक यू। ये लो। सावरी मुझे छोड़ के क्यों चली गई? श्वेता चलो देर हो रही है, चलो वैदेही। सच कहूं तो मुझे डर सा लग रहा था दिल में कि श्वेता को कैसे संभालेंगे, लेकिन जब से आप आई हैं ये डर कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। आप तो बिल्कुल अपनी बच्ची का प्यार दे रही हैं श्वेता को। कैसी बातें कर रही हैं भाव? रिश्ते बनाने में तो सिर्फ एक मिनट ही काफी होता है, और आप जानती हैं जब से इस घर में आई हूं और इस बच्ची से मिली हूं मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप सबको जन्मों से जानती हूं मैं। ये मैंने आपको फिर से हरा दिया, पूरे तीन बार हराया, पूरे तीन बार। तब से तीन बार हार चुकी लगा रखा है। मुझे इस हार शब्द से नफरत है। ऐसी बातें करती है बाबू? अरे तुझसे हार के तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I love it। चल, ये गेम भी जीत। चल, एक और गेम जीतते हैं। आजा। ये ले। ले 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 ले। श्वेता बहुत याद आ रही है आप दोनों की। कभी नहीं सोचा था कि आपसे दूर जाऊंगी। माँ
आई एम सॉरी माँ, बहुत गंदी हूँ ना मैं। आपसे प्रॉमिस किया था, फिर भी श्वेता का ध्यान नहीं रख पाई मैं। सॉरी माँ। करो होमवर्क, करो करो। मंदु जी। जी जी। अब पानी, अब एक ग्लास पानी मिल जाता तो। जी वो आप तब तक अगर बच्चों को देख लेते तो। हाँ क्यों नहीं। हे ईश्वर, मेरी बच्चियों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे बिना तड़प रही होंगी, वो सहारा देना उन्हें। उसके बाद राजकुमारी बोली क्या बोली? कुछ नहीं बोली, सिर पीट के सो गई। अब तू भी सो जा। हे भगवान, क्या मुसीबत है। इसे सुलाते सुलाते तो मेरी रातें काली हो जाएंगी। हे भगवान, बड़े बड़े हाथ मारने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान क्यों देने पड़ते हैं? बाबू, क्या कर रही हैं आप? कोई मदद करूं आपकी? नहीं नहीं मधु, तुम थक गई होगी ना, दिन भर श्वेता का ध्यान रखना पड़ता है। बैठो। जी। तुमसे एक बात कहनी थी मधु। जी कहिए। श्वेता की दवाइयों की पर्ची है। जी। इसमें लिखा है कि कौन सी दवाई कब देनी है। जी। अब तक तो मैंने ये जिम्मेदारी ले रखी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये काम करो। आप फिक्र ना करें, अब आपकी बच्ची की तबीयत की जिम्मेदारी मेरी है। कितना कुछ एक जैसा है साबरी और मेरे बीच। परिवार से उसे भी उतना ही प्यार है जितना मुझे। इतनी सहन शक्ति, मेरी परछाई ही तो है वो। जा जेलर साहब के रूम में, चाय दे के आ। हाँ हाँ एक मिनट सर। हाँ भेज दो। क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? मैं सिर्फ एक बार अपनी बच्चियों की आवाज सुनना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार।
सिर्फ एक कॉल। अगर फोन श्वेता ने ले लिया तो मैं क्या कहूंगी? हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो साबरी है क्या? मुझे उससे बात करनी है, जरा उसे फोन दे दीजिए। अरे बाप रे, कौन है ये साबरी की चाहने वाली? खैर जो भी हो, मुझे क्या। अब देखिए, वो यहाँ नहीं रहती, उसे तो अनाथ आश्रम भेज दिया गया है ना। साबरी को अनाथ आश्रम? क्यों, किसने भेजा उसे? उस मासूम को ये सजा क्यों? सुनिए 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 मैडम, एक मिनट, आपने मुझसे सावरी के बारे में पूछा ना, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद कौन, क्यों, कहां, कैसे, ये सब मुझे नहीं पता। ओके, श्वेता कहां है? उसे फोन दे दीजिए। वो तो यहाँ नहीं है, आप प्लीज जरा बाद में फोन करेंगे। ओके, आप बात, किसका फोन है? मुझे भी बात करनी है। अरे जिस किसी का भी फोन हो, बदतमीज लड़की, जब तक अपनी बदतमीज है तुम बंद नहीं करोगी ना, किसी का फोन नहीं अटेंड करने दूंगी मैं, समझ में आई तुम्हें? सुनिए, क्या मैं एक फोन और कर सकती हूँ? क्यों? प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दिया गया है, सिर्फ एक बार मैं उससे बात कर लूँ, मुझे सुकून मिल जाएगा, प्लीज मैम। अरे बोला ना नहीं, सर ने ढील क्या दे दी, तुम तो सर पे ही चढ़ गई। चलो निकलो यहाँ से। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो उस पर? सर, मेरे घर वालों ने मेरी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दिया है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं उसे खो दूं, मुझे उसे ढूंढने दीजिए सर, प्लीज एक बार मैं उससे बात कर लूं। ठीक है, कर लो। देवल सर में एक ही अनाथालय है, आसरा अनाथालय, सबसे पहले वहीं पता करो। तेरे लिए फोन आया है, जाओ बात करो। जरूर भावो का फोन होगा, वो शायद मुझे वापस घर बुलाना चाहती है। साबरी, मैं बोल रही हूँ। माँ, तू अनाथ आश्रम में कैसे? ठीक है ना तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं यहाँ पर माँ, और सब मेरा बहुत ध्यान रखते हैं माँ। अपनी माँ से झूठ बोल रही हो तुम? क्या मैं जानती नहीं क्या हालत है तुम्हारी, कि मुझे अंदाजा नहीं कि मेरी बच्ची कितनी तकलीफ उठा रही है वहां पर, कितना कुछ सहा होगा तुमने मेरे पीछे उस घर में। लेकिन तू घबरा मत, मैं सबको बता दूंगी कि तू मेरी बेटी है। नहीं माँ, आपको श्वेता के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, जब उसे पता चलेगा कितना रोएगी। और आपको पता है ना, श्वेता की जिंदगी यहाँ की तकलीफों से ज्यादा बड़ी है ना माँ। ऐसे वक्त में तुम्हें श्वेता की परवाह है? अगर श्वेता खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूंगी माँ। शायद मैंने कोई गलती की होगी, इसलिए बाबू ने मुझे यहाँ भेजा ना। नहीं मेरी बच्ची, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मेरी साबरी कभी गलत हो ही नहीं सकती।
तू कभी गलत नहीं हो सकती बेटा।